हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था मैग्नीफिकेशन के बारे में, ठीक है। और आज हम जो कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। हालांकि कुछ बातें आपको मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में पहले ही बता दी गई थी, रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसकी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सब पहले बता दिया गया था। अब जो हम कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम देखेंगे किस प्रकार से जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। तो जनरली रिफ्रैक्शन क्या बताया था आपको कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से आती है और दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो जानी चाहिए थी बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन क्या हो जाती है, वो ऐसे बैंड हो जाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो लाइट है ये तो हमारे पास जैसे नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो बेटा बात ये आती कि ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आई, इधर मुड़ गई, ठीक है, ये दूसरी साइड क्यों नहीं मुड़ी। तो ये डिपेंड करेगा कि जो मीडियम है हमारे पास वो कैसा है। ये दो बातें आपने जरूर ध्यान रखनी है बेटा। पहली बात क्या कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे आई और ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की साइड ये जो है वो मुड़ जाएगी। दूसरा केस, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जैसे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल का तो ये होगा डायग्राम, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर देखें, मान लो इस प्रकार से आ रही, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब के बार ये मीडियम डेंसर हो जाएगा और ये रेयर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कहेंगे, ये रेयर और डेंसर मीडियम, ठीक है। अब बात ये आती है कि रेयर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम को हम बोलेंगे जनरली हल्का मीडियम, ठीक है, और जो डेंसर मीडियम है उसको हम कह सकते हैं डार्क ज़्यादा या फिर घना, ठीक है। इसको वैसे बोलते हैं विरल माध्यम, विरल बोला जाता है हल्के को, विरल माध्यम, और इसको बोला जाता है सघन माध्यम, ठीक है, ये बोला जाता है। इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट वो ज़्यादा होती है और इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट वो कम होती है, ठीक है। जैसे मान लो एयर से जो है रे ऑफ लाइट आ रही है और वो वाटर के अंदर जा रही है, तो एयर और वाटर के अंदर जो रेयर मीडियम कौन सा कहेंगे, एयर जो है वो रेयर मीडियम कहलाएगी और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम बता सकते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसके एग्जाम्पल अगर देखें डेली लाइफ के अंदर, कि जैसे हम क्या करते हैं बेटा कि कोई पेंसिल हो गई, ठीक है, उसको किसी ग्लास के अंदर पानी ले लो, जैसे कांच का ग्लास ले लिया और उसके अंदर पेंसिल हम डालते हैं तो वो पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई देती है। ये किस वजह से है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। जो ग्लास के अंदर पानी डाल रखा आपने जूस वगैरह की रेडी पर देखा होगा, तो क्या करते हैं वो नींबू को उस ग्लास के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो वो नींबू हमें क्या दिखते हैं, वो बड़े दिखने लगते हैं। वो किस वजह से दिखते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल साइड है वो डिफरेंट दिखने लगता है, वो बड़े दिखने लगते हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखने लगते हैं। जो तालाब है उसकी जो एंड है, ठीक है, तालाब के अंदर जो पानी है, यानी बॉटम कह सकते हैं कि बॉटम जो है वो हमें हमेशा ऊपर उठा दिखाई देता है। जैसे कोई कांच के ग्लास के अंदर हमने पानी डाल दिया और उसके अंदर 5 रुपए का सिक्का डाल दो, तो वो सिक्का आपको ऊपर उठा दिखाई देगा,
ये रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो हम क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर ली, एक रेक्टेंगल की जो है वो ग्लास स्लैब ले ली। ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि रिफ्रैक्शन है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये बेटा हमने क्या ले ली, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली। ये है हमारे पास ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल होगा यहाँ पर, और किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रही है ये। ठीक है, तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब ये लाइट कैसे जानी चाहिए, ये लाइट बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पर एयर का मीडियम है और ये हो गया ग्लास का, यहाँ पर भी एयर है, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब वापिस यहाँ पर देखें तो अगेन एयर आ गई, और अंदर फिर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो इस साइड अगर मोड़े तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इस साइड मुड़ जाएगी, यहाँ से जो है वो ऐसे मुड़ जाएगी, और हमें क्या लगता है कि रे ऑफ लाइट ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये हमें ऐसे वो आते दिखाई देंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इस रे को हम बोलेंगे, यानी यहाँ से ऐसे रे आई, यहाँ ऐसे मुड़गी और ये इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। ठीक है, और ये जो एंगल होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होता है इसको ई बोल देते हैं, ई कहलाएगा एमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों लाइनें क्या आई है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आई है। अगर मान लो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दें इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेटरली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो लाइट है वो इस प्रकार से जो है वो डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, यहां पर आपने कोई दो पिन लगा लेनी है। ठीक है बेटा, दो पिन लगा लोगे तो क्या करोगे कि फिर ग्लास स्लैब रख देना आप इस प्रकार से, और फिर इस साइड से अगर आप देखोगे तो आपको इनकी इमेज दिखाई देंगी, जहां पर ये इमेज दिखाई देगी उन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको दो पिन उनके आगे और लगा देनी इस साइड से ही। तब आप अगर देखोगे तो ये चारों जो पिन है ना, ये चारों पिन आपको एक सीधी लाइन में दिखेंगी, दो ये वाली और दो ये वाली, ये बिल्कुल आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी, ये ऐसे मुड़ी हुई नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल ऐसे दिखेंगी, ये स्ट्रेट दिखेंगी इसके अंदर। वास्तव में तो देखो ये यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ी हैं, लेकिन आपको क्या दिखेंगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगी। तो ये किस वजह से हुआ, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है, जब रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में गई और फिर डेंसर से रेयर मीडियम में गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम एन से लिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको म्यू से भी लिखा हुआ मिल सकता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, एम यू ऐसे। ठीक है, यू जो होता है छोटा यू, जो इसको थोड़ा सा एक साइड से और बढ़ा देते हैं तो म्यू बन जाता है। तो कन्फ्यूज मत होना, ये एन से भी लिख सकते हैं और म्यू से भी लिख सकते हैं। क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक है, कोई भी दो मीडियम है उसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो क्या करेंगे, दोनों मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जितनी होगी तो दोनों का रेशियो अगर कर दे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलाएगा। अब बात ये आती है कि ऊपर कौन सा करेंगे, किस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट करेंगे, नीचे किस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे बता दे कि स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट
वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। अगर ऐसे बोल दे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट की हमने बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो उसको हम कैसे लिखें? उसको लिखें बेटा ऐसे, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एन वन टू, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये जो है यहाँ टू बाद वाला, ये सबसे पहले आएगा ऊपर और नीचे फिर आएगा जो बताया है, जिसके वन है पहले वाला तो वो नीचे आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। ऐसे ही अगर ऐसे बोल दे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम क्या कहेंगे? एन टू वन, और वो किसके बराबर आ जाए? ये ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, तो वो हमारे पास क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक। और यदि हमारे पास जनरल इक्वेशन इसकी देखें, या यूँ कहें कि एक मीडियम तो हमारे पास एयर का हो या फिर वैक्यूम का हो, और दूसरा कोई और मीडियम हो, ग्लास का हो या किसी और का हो, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में क्या होती है? c, और मीडियम के अंदर यानी v बोल दिया हमने। ये तो ऊपर जो होते हैं ना, वो आपकी हमेशा होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो इनके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, जैसे कि ये बोल दिया, एक आपका क्वेश्चन भी आएगा आगे, इसमें लिखा मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब n की वैल्यू दे दी इसने, कितनी दे दी? n की वैल्यू दे दी 2.42, और मीडियम हमारे पास कौन सा है? डायमंड का। तो फार्मूले के अंदर हम निकाल सकते हैं, यानी उसके अंदर हमने स्पीड ऑफ लाइट बतानी कितनी हो जाएगी। तो n हमारे पास किसके बराबर हो गया? c बाई v, ठीक है। c कितना है? 3×10⁸। n कितना दे दिया? 2.42, और v हमने निकाला तो ये इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी v इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइड बाई 2.42। इसको यहां से कैलकुलेट कर लो, ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा? सो दो जीरो हटके इसकी, और इसको काट दो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका रिजल्ट आएगा 1.23×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी डायमंड के अंदर। और जैसे हमारे पास कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो आपने याद भी रखने हैं, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0000, इसको लगभग हम क्या मानते हैं? बराबर मानते हैं, ठीक है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31, वाटर का 1.33, ऐसे ही ग्लास का 1.52, डायमंड का 2.42। तो ये सारे क्या है, जो अलग अलग मीडियम है और उसके अंदर जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें हमारे पास दे रखी हो इस फार्मूले के अंदर, तो एक चीज़ हम आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। चाहे इसमें एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट दे दी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, तो उसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर या वैक्यूम की हमने लेनी है। अगर दो मीडियम ऑलरेडी दे रखे हों, आइस का दे दे वाटर का दे दे, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट दे रखी हो, तब हमने सी को यूज़ नहीं करना है, तब हमने दोनों की जो स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करनी है, ठीक है। फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पता लग जाएगा। तो आगे जो हमारा टॉपिक है
वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। यानी जो स्फेरिकल मिरर हमको ने आपको बताए थे, अब आपके पास जो है वो है स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस होता है कॉनकेव लेंस। ये लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस से किनारों से जो मोटा होता है और बीच से पतला होता है, ये बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, और इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। यानी ये लाइट को फैलाएगा और ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर मिलाएगा। जो मिरर था ना हमारा, मिरर से ठीक उल्टा है। कन्वेक्स मिरर तो हमारे पास कैसा होता है, डाइवर्जिंग, लेकिन कन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। ऐसे ही कनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्जिंग है और कनकेव मिरर हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो इसमें आपने ध्यान रखना है बेटा। फिर इनके द्वारा जो है इमेज फॉर्मेशन है वो देखो कैसे कैसे होती है। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर की बताई थी इमेज फॉर्मेशन, तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो इमेज फॉर्मेशन जो है लेंसेज के द्वारा। तो उनसे पहले हमने ठीक कुछ रूल याद करने पड़ेंगे जो हमने मिरर के केस में किए थे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखिए, रूल्स फॉर स्फेरिकल लेंसेज, सेम टू सेम है बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लो ये हमने एक लेंस ले लिया, ठीक है, बस बीच में इसमें उसमें तो हमारे पास था मिरर के अंदर तो था पोल, इसमें हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर, और उसमें रिफ्लेक्शन था इसमें रिफ्रैक्शन है। फोकस इसके दोनों तरफ होंगे, लेंस के फोकस दोनों तरफ होते हैं, एक को F1 दे दो दूसरे को F2 दे दो, ठीक है। इसको आप सी भी लिख सकते हो आगे, बाकी सी ज़्यादा बेटर नहीं रहता क्योंकि अलग अलग फोकस हो जाती है इनमें, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बोल देते हैं 2F1, इसको बोल देते हैं 2F2, ऐसे 3F2, 4F2, 5F2 चलता रहेगा, ऐसे इधर 2F1, 3F1 एंड सो चलता रहेगा, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट कोई पैरेलल आती है इस प्रकार से जो, तो वो हमेशा फोकस में से जाएगी। ये उसके अंदर भी रूल था मिरर में, लेकिन फोकस इसका होगा ये दूसरी साइड वाला यहाँ पर ये, ठीक है। और अगर कोई फोकस में से जा रही है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या हो जाएगी, मान लो ये हमारे पास जो हो गया F1 हो गया और ये हो गया F2 हो गया, यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है फोकस में से जा रही हो, वो डायरेक्टली आप यहाँ से भी हो सकती, ऐसे अगर कोई जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे लेंस की बात करें, इसमें यहाँ पर कनकेव लेंस में ये थोड़ा मिड में लेना आपने, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। अगर मान लो रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी, इसका F1 इसका F2, तो वो हमेशा फोकस में से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डाइवर्जिंग है तो ये लाइट को फैला देगा, जानी चाहिए थी वो बिल्कुल यहाँ से ऐसे, और ये हमें ऐसा लगा कि रे ऑफ लाइट ऐसे, यानी यहाँ से इस प्रकार आई और इसने फैला दिया। ऐसे ही यहाँ से जो होगा फोकस में से, और फोकस इसका ये होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा लगेगा हमें कि वो फैल गई है। अब ये जो बात करते हैं ये इसी साइड क्यों बनी है, ठीक है, ये यहाँ फोकस क्यों लगा, ये क्यों नहीं लगा, तो देखिए बेटा इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मान लिया हमने कनकेव लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है, रे ऑफ लाइट देखो बेटा यहाँ आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक इस प्रकार से मिरर बनेगा, बस स्फेरिकल सरफेस बनेगा पूरा, इसी को काट कर तो बनाया जाता है लेंस। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा तो उसका नॉर्मल भी होगा, ठीक है। तो नॉर्मल हमने मान लिया यहाँ पर, जैसे इसको और बड़ा ले ले तो वो कहीं पर भी पॉइंट मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया,
ठीक है। तो अगर मान लो नॉर्मल ये है तो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, ये एयर का है हमारे पास मीडियम, ये है वाटर का, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल तो ये है यहाँ पर, तो नॉर्मल की तरफ ऐसे होगी। और हमें क्या लगता है कि रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ऐसे। क्लियर हो गया बेटा? तो इस प्रकार से ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ इस फोकस में मिलने की बजाय ये यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका फोकस जो है वो यहाँ यूज करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो कनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, जो कन्वेक्स लेंस मिरर जो इमेज बना रहा था, जो दो इमेज जो बनाई थी उसके द्वारा, एक तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो और एक ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, तो दोनों केस में हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी। उसी तरह से कनकेव लेंस के अंदर भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेंगी इसमें, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस जो हो गया, ठीक है, ये सब बेटा आप इसमें कर लेना, हो जाएंगे जो पहले बताए थे उसी प्रकार से जो है ये बातें हैं, ठीक है। इसमें एक और बात आपने ध्यान रखनी है, अगर मान लो जैसे वहाँ हमने क्या बताया था, कोई रे ऑफ लाइट सी के अंदर से जा रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट ओ के अंदर से जा रही है ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, तो वो कहीं नहीं मुड़ेगी, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, तो दो रे हमने डालनी है इसमें, एक पैरेलल और टकराने के बाद फोकस में से, दूसरी कौन सी, जो सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से, पहले हमने कहाँ से डाली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से, मिरर के अंदर, और यहाँ हम कहाँ डालेंगे, जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा उसके अंदर हम इसको डालेंगे, ठीक है। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस, पहले हम यही करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो है इमेज फॉर्मेशन हमको करनी है, ठीक है। तो पहला जो केस कर लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो। तो इन्फिनिटी के ऊपर है तो हमने क्या लेना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है ऐसे, और इसके बीच से एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने डालनी है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस एफ वन, ठीक उतना ही फोकस हमने लेना है एफ टू। तो यानी पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी के ऊपर है तो रे ऑफ लाइट इस प्रकार से, और अगर इन्फिनिटी के ऊपर से आ रही है तो कहाँ जाएंगी, फोकस में से, तो ये फोकस हो जाए, जिस भी पॉइंट पर मिलेंगी वो उसका फोकस कहलाएगा, ठीक है। तो कितना बना हमारा, पॉइंट साइज का बना यहाँ पर फोकस के ऊपर। तो वही बतानी है आपने कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये लाइनें वास्तव में कट रही हैं तो रियल, और रियल के साथ कैसा आएगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कि जो इमेज है हमारे पास वो कहाँ बनी है, एट ए एफ टू, फोकस के ऊपर जो बनी है, ठीक है। और साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज कि पॉइंट साइज की जो इमेज है वो बनेगी, ठीक है। दूसरा केस करते हैं, इसका दूसरा केस करते हैं, वहन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, जब ऑब्जेक्ट जो है 2F1 से परे रखा हो, कैसे, देखिए ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 हो गया और ठीक इससे दुगना कितना हो गया, 2F1। अब की बार कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो हम यहाँ रख देते हैं बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, F2 2F2। तो क्या होगा, पहला काम हमने करना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके जानी है,
ठीक है, और वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस के अंदर से, पहले फोकस में से, तो यहाँ से ऐसे गई फोकस में से। दूसरा काम हमने करना है सीधा ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, तो ऑब्जेक्ट की टो से लेके चलना है और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से यहाँ कट कर देनी, जहाँ पर भी ये लाइनें कट कर रही वहीं पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम नाम ए बी दे दें तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। अब बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एफ वन एफ टू और टू एफ टू के बीच में, तो क्या लिखोगे, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू। साइज कैसा है, साइज है स्मॉल। नेचर कैसी है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड केस है इसका। थर्ड केस करते हैं, तो थर्ड केस में क्या कहता है, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे ले आते हैं, 2F1 पर ले आते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F1, 2F1 पर लेके आए तो क्या करोगे, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1 है और ये 2F1, ऐसे ही F2 और 2F2। तो अब की बार हमने कहाँ रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो पहला काम क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे और वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वो हमेशा फोकस में से जाएगी, ठीक है। और दूसरा काम ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से आपने डालनी है रे ऑफ लाइट, यहाँ से ऐसे डालोगे इस प्रकार से और ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ जो इमेज बनेगी आपकी ये ठीक 2F2 पर बनेगी, ये बराबर आप लोगे ना बिल्कुल, तो ये बिल्कुल 2F2 के ऊपर बनेगी इमेज। तो साइज कैसा है, साइज यहाँ पर क्या होगा, सेम साइज की। पोजीशन कहाँ है, एट 2F2। नेचर कैसी होगी उसकी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब चौथा केस, चौथे केस में क्या करते हैं, F1 और 2F1 के बीच में रख लेते हैं। चौथे केस में लिखोगे आप F1 और 2F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये F2 फोकस और ये 2F2। अब की बार कहाँ रखा है, F1 और 2F1 के बीच में, तो वही काम करना है। पहला काम पैरेलल लेके जाओगे, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वो फोकस में से जाएगी। दूसरा काम ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से लेके जानी है और सीधी चली जाएगी, ये जहाँ पर भी कटेंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ कट कर रही है तो हम क्या कर देंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को और बढ़ा लेंगे ऐसे, तो जहाँ जिस पॉइंट पर कटती हैं वहीं पर इमेज बनेगी। अगर इसको हम ए बी नाम दे दें तो ये बन जाएगा ए डैश और बी डैश। अब बताओ कैसी बनी है ये, साइज में लार्ज, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड 2F2। नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। पांचवा जो केस है, F1 के ऊपर रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, F1 के ऊपर यानी फोकस के ऊपर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो फोकस पर अगर रखते हैं तो देखिए कैसे बनेगी हमारी इमेज, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ F1 और 2F1, यहाँ पर F2 और 2F2। अब की बार है यहाँ फोकस के ऊपर, तो क्या करेंगे, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वो फोकस में से जाएगी ऐसे। दूसरा, यहाँ से इसके अंदर से
ये, और इनको हम ऐसे देखते यहाँ पीछे बढ़ाएंगे, यानी ये कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, और इन्फिनिटी पर जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। लार्ज बनेगी तभी तो हमें दिखाई देगी इसमें, लार्ज रियल और इन्वर्टेड, और पोजीशन कहाँ बनेगी, पोजीशन बनेगी एट इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। अगला जो इसका केस है वो क्या कहता है कि इमेज हमारी कहाँ, ऑब्जेक्ट सॉरी कहाँ रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट पोल, सॉरी पोल नहीं, इसमें ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया F2 और 2F2, यानी इन दोनों के बीच में रखा हो यहाँ पर। तो पहला काम क्या होगा, पैरेलल, और टकराने के बाद कहाँ जाएगी वो, फोकस में से। दूसरा काम ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये लाइनें गैप ज़्यादा है, तो इसका मतलब इनको पीछे बढ़ा के देखते हैं, और पीछे जो है वो डोटिन हमने करना है, इसको और बढ़ाएंगे तो ये बन मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर मिली है वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो देखिए ये लेंस के जो पीछे बनी है, इसका मतलब नेचर कैसी इसकी वैसे ही पता लग जाएगा। इरेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल होगी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमें ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, साइज है लार्ज। पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड F1, F1 की जो परे जो बनी है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस के द्वारा है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस बताया था आपको, किनारों से जो है वो मोटा होता है और बीच से पतला होता है। तो फोकस का केस तो आपको बता दिया था, दोबारा बता देते हैं। रे ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी से आ रही हो तो ये हो गया 2F1, यानी इन्फिनिटी से ऐसे आएगी पैरेलल, और ये भी क्या आएगी, पैरेलल आएगी, और टकराने के बाद कहाँ जाएगी, हमेशा फोकस में से, और फोकस इसका बताया था वर्चुअल फोकस होगा। ये ऐसे हमें ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट ये ऐसे गई हो, यहाँ से टकराने के बाद फोकस में से ऐसे, ये यानी ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, ऐसे फैला देगा। तो साइज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, ठीक है। नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमें ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और पोजीशन कहाँ होगी, एट F1, F1 के ऊपर जो है इमेज बनेगी। दूसरा जो केस है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तब हमारे पास जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी। तो ये हमने क्या ले लिया, कॉन्वेक्स कनकेव लेंस ले लिया हमने, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर अब की बार हम कहीं पर भी रख सकते हैं इसमें, यहाँ पर हमारे जैसे हमने रख दिया, ये F1 हो गया और ये हो गया F2। तो पहला काम क्या होगा, पैरेलल इस प्रकार से, और टकराने के बाद वो फोकस में से, फोकस तो ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से, और ये चली जाएगी ऐसे, यहाँ से ऐसे चली जाएगी। दूसरा है टो से सीधा ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, यहाँ से, और वो कहीं नहीं मुड़ेगी इसमें, यानी जहाँ पर भी कटी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ये यहाँ कटी है तो ये ए बी हो गया, तो ये बन जाएगा ए डैश और बी डैश। अब साइज कैसा है, स्मॉल,
पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिटवीन F1 एंड ए ऑप्टिकल सेंटर। नेचर कैसी होगी, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो हमेशा जो कनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है वो बनाता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन बेटा आपने अच्छे से करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।